सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्मार्ट जितुरा ट्रिक्स और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जितुरा ट्रिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। ऑप्शन कट पद्धति से कैसे प्रश्न सॉल्व करते हैं, इस ट्रिक से काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ट्रिक्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। आज का टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रकार से प्रश्न होते हैं। पहला, वास्तविक आकृति दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देगी। दूसरा होता है कि दर्पण में जो आकृति प्रतिबिंब है वह वास्तविक में कैसे दिखाई देगी। प्रश्न को सॉल्व करते समय देखना है कि दर्पण आकृति के कहाँ रखा है, उसके लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दर्पण कहाँ रखा गया है। जैसे आकृति के बाएं या दाएं साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में अगर दर्पण रखा गया है तो आकृति के ऊपर और नीचे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज जैसे के वैसे वो रहेगी। उसके बाद में आकृति के मध्य से यानी मिडल भाग से जो आकृति का दाया भाग है वो बाएं साइड चले जाएगा और जो बाया भाग है वो दाएं साइड चले जाएगा। उसके बाद में जो आकृति की जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो भी लेफ्ट से राइट हो जाएगा और राइट से लेफ्ट हो जाएगा। पहला, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आकृति को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद में आकृति का जो ऊपर वाला भाग है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला भाग नीचे ही रहेगा। और आकृति को बीच से यानी मिडल से उसके 2 भाग कर दीजिए और जो लेफ्ट वाला भाग है वो राइट में चले जाएगा, राइट वाला जो भाग है वो लेफ्ट में चले जाएगा। हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो M जो है लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, दर्पण में वो राइट साइड में चले जाएगा। तो पहले ऑप्शन में राइट साइड में है, दूसरे ऑप्शन में राइट साइड में है, तीसरे ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में यम जो है राइट साइड में नहीं है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन कट गया, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारे पास में पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बचे हैं। उसके बाद में यू अभी राइट साइड में है तो क्या होगा, दर्पण में वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो देखते पहले ऑप्शन में लेफ्ट साइड में है, दूसरे ऑप्शन में लेफ्ट साइड में है, तीसरे वाले ऑप्शन में यू जो है वो उल्टा बन गया है। तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में कि जो ऊपर वाला भाग है ऊपर ही रहता है, नीचे वाला भाग नीचे ही रहता है, यहाँ पे उल्टा नहीं होता। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी कट गया। अभी बचा हमारे पास में पहला और दूसरा ऑप्शन। तो पी, पहले वाले ऑप्शन में पी ऊपर में ही है पर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या हुआ है, ऊपर वाला भाग जो है नीचे आ गया है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। तो और ऊपर वाला भाग ऊपर रहेगा, नीचे वाला भाग नीचे रहेगा, आकृति को मिडल से यानी बीच से क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में लेफ्ट वाला भाग राइट में जाएगा, राइट वाला भाग लेफ्ट में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, पूरी आकृति को एक साथ आपको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे डी, डी जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में आया है तो दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये अपने राइट साइड में जाएगा। उसके बाद में डी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट हो जाएगी यानी डी का अपोजिट हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में डी जो है इसमें राइट साइड में नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन में डी राइट साइड में है, तीसरे ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। अब डी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है दूसरे वाले ऑप्शन में तो दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में हुई है और चौथे ऑप्शन में डी की डायरेक्शन भी चेंज हुई है, पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं है, दोनों कट गए। उसके बाद में यहाँ पे हाफ सर्कल बना है नीचे साइड में, ये एज इट इज जैसे के वैसे रहेगा, इसमें ऊपर वाला भाग ऊपर रहेगा, नीचे वाला भाग नीचे रहेगा, इस हाफ सर्कल में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। तो तीसरे वाले ऑप्शन में क्या हुआ है, हाफ सर्कल उल्टा हो गया है तो तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, चौथा वाला ऑप्शन। सभी आकृति को
चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप छोटी छोटी आकृति को अपने ध्यान में रखिए और वो दर्पण में कैसे दिखेगी, कहाँ पे दिखेगी, इसे आप अपने मन में डिसाइड करो, तो बहुत ही आसानी से आप आंसर को ढूंढ सकते हो। एक साथ पूरी आकृति को ढूंढने की कोशिश मत करो, आप कट पद्धति से जल्दी से आंसर पता कर सकते हो। प्रश्न है प्रश्न तीसरा, तो आकृति को ध्यान से देखते हैं। आकृति को ध्यान से देखने पे क्या होता है कि ऊपर वाला भाग ऊपर रहेगा, नीचे वाला भाग नीचे रहेगा। आकृति को 20 से डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट वाला भाग राइट में जाएगा, राइट वाला भाग लेफ्ट में आएगा, ये हमारी प्रोसेस है। अब आकृति को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इस आकृति में कॉलम बने हैं तो मैं नंबर देता हूं उन्हें 1, 2, 3, 4। अभी कॉलम को मैंने नंबर दे दिया और हर एक कॉलम में बॉक्स बने हैं, बॉक्स में कुछ बॉक्स में कलर किया गया है। तो पहले वाले कॉलम में एक बॉक्स कलर है, दूसरे वाले इसमें एक बॉक्स को कलर किया गया, तीसरा वाला जो बॉक्स है वो खाली है, किसी भी बॉक्स में कलर नहीं किया गया है। चौथे वाले कॉलम में दो बॉक्स को कलर किया गया है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा कि जो पहला वाला कॉलम है वो चौथे नंबर पे आएगा, दूसरा वाला कॉलम है वो तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरा वाला जो कॉलम है वो दूसरे नंबर पे आएगा और चौथा वाला जो कॉलम है वो पहले नंबर पे आएगा। तो पहले ऑप्शन को चेक करते कि जो तीसरा वाला जो कॉलम है वो दूसरे नंबर पे आएगा और इस कॉलम में किसी भी बॉक्स में कलर नहीं किया गया है, तो दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो दूसरे वाले कॉलम में किसी भी बॉक्स में कलर नहीं है ऐसा हमें दिखाई देगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन में सभी कॉलम में एक एक बॉक्स को कलर किया गया है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, कट गया। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं कि दूसरे नंबर के कॉलम में किसी भी बॉक्स में कलर नहीं किया गया है, ये हमारा आंसर हो सकता है। पर हमें सभी आकृति को चेक कर लेना है क्योंकि हम एक ही स्टेप चेक कर रहे हैं, पूरी आकृति को एक साथ चेक नहीं कर रहे, तो सभी आकृति को चेक करना है, उसके बाद में डिसाइड करना है। तो दूसरा वाला आंसर हमारा हो सकता है। तीसरे वाले ऑप्शन में सभी कॉलम के एक एक बॉक्स में कलर किया गया है, तो तीसरा वाला ऑप्शन भी नहीं है। चौथे ऑप्शन में तीसरे नंबर के कॉलम में किसी भी बॉक्स में कलर नहीं किया गया है, यानी जो तीसरा वाला जो यहाँ पे हमारा जो आकृति में दिया है तीसरा वाला कॉलम, वो एज इट इज जैसे के वैसे चौथे वाले ऑप्शन में दिया है, पर यहाँ पे जो तीसरे नंबर वाला जो कॉलम है वो दूसरे नंबर पे आएगा, तो ये चौथा वाला भी आंसर कट गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है चौथा, आकृति दी गई है, उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा। तो हमें देखना है कि आकृति को 20 से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, जो लेफ्ट वाला भाग है राइट में जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट वाला भाग क्या है, राइट में जाएगा, तो कौन से ऑप्शन में राइट में गया है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। तो पहले ऑप्शन में गया है, दूसरे ऑप्शन में गया है, तीसरे ऑप्शन में नहीं गया है, तीसरा वाला ऑप्शन कट गया, चौथे ऑप्शन में भी नहीं गया है, चौथा ऑप्शन भी कट गया। अभी हमारा आंसर या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। उसके बाद में जो राइट वाला भाग है वो लेफ्ट में आया है क्या, वो चेक करना है। पहले ऑप्शन में आया है, दूसरे ऑप्शन में आया है, यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट नहीं किया है कि इन दोनों में से राइट कौन सा है। उसके बाद में देखते हैं आकृति का जो ए वाला पोर्शन है, जो यहाँ पे ट्रायंगल बना है, वो अपने राइट साइड में जाएगा और जो राइट साइड वाला जो ट्रायंगल है वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो देखते हैं पहले इस ट्रायंगल को, पहले आकृति में पहले वाले ऑप्शन में ये ट्रायंगल राइट साइड में गया है, दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं गया है, वो दूसरे वाले ऑप्शन में जो ट्रायंगल है जैसे कि वैसे ही आया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। प्रश्न पांचवा, आकृति दी गई है, आकृति दर्पण में कैसे दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान से देखना है, ये जो आकृति में दर्पण क्या है, आकृति के लेफ्ट साइड में, दर्पण कहाँ पे है, आकृति के लेफ्ट साइड में है। तो ये आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि दर्पण कहाँ पे रखा गया है, लेफ्ट साइड में रखा गया है कि राइट साइड में रखा गया है। तो लेफ्ट साइड में रखा गया है,
तो हम वही प्रोसेस रहेंगी, ऊपर वाला भाग ऊपर रहेगा, नीचे वाला भाग नीचे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद में आकृति को हम बीच से मिडल से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो सी वाला जो पोर्शन है, सी वाला पोर्शन क्या होगा, वो अपने लेफ्ट साइड में आ जाएगा और बी वाला पोर्शन क्या है वो राइट साइड में आ जाएगा। सी की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, बी की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं बी की डायरेक्शन चेंज होके वो राइट साइड में जाएगा, तो पहले ऑप्शन में गया है, दूसरे ऑप्शन में नहीं गया है तो दूसरा वाला ऑप्शन कट गया, तीसरे ऑप्शन में गया है, चौथे ऑप्शन में गया है पर उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है तो चौथा ऑप्शन भी कट गया। यार अब देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है या फिर तीसरा ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं सी, सी की डायरेक्शन चेंज होके कहाँ आएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो पहले ऑप्शन में आया है पर सी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। इस प्रकार से हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है, राइट है।